सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? करता हूँ कि आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। और गाइस, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं नए बाइक्स के ऊपर, और नया बाइक जो है वो कि एकदम बवाल होने वाला है, क्योंकि जो इसका पहले वाला जो वर्जन था टीवीएस आरआर 310, जो कि एकदम बवाल लुक था जब ये लॉन्च हुआ था ना भाई, जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तब तो एकदम हंगामा मच गया था, कैसा बाइक है कैसा नहीं है। और कंपनी को, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक में जितना भी आरटीआर अभी तक जो भी आ रहा है, कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया पहले से ही पूरा लगता है अच्छे से होमवर्क करके आए थे। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी जो प्रोडक्ट निकालती है उसमें बार बार मेकओवर करते रहती है, लेकिन टीवीएस ने अपाची आरआर 310 जब लॉन्च किया तो आज तक उसका कोई भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस BS4 से BS6 ये सब वगैरह तो आते रहते हैं, लेकिन लुक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इतना बेहतर लुक्स बनाया गया है कि देखने में भी बवाल लगता है, मजा आ जाता है मतलब। और वहीं अभी फेयरिंग की बात करूं तो अपने पास है आरआर 310, लेकिन नेकेड में आरआर 310 में कोई बाइक नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे आने वाला है हमारा नेकेड आरआर 310, तो फाइनली इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है टीवीएस की तरफ से, टीवीएस अपाची आरटीआर 310, जो कि होगा फुल्ली नेकेड में, और वो इंस्पायर हुआ है टीवीएस आरटीआर 200 से। वैसा ही लुक्स होने वाला है, लेकिन लुक्स वैसे ही होगा लेकिन सामने से एकदम डबल साइज होने वाला है, मतलब समझ रहे हो ना। 310 सीसी का इंजन, उसमें सेम वही इंजन मिलेगा जो कि आपको आरटीआर आरआर 310 में मिलता है, सेम टू सेम वही इंजन मिलेगा। इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया गया, फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम मिलने वाला है आपको वहाँ पे। डुअल चैनल एबीएस के साथ, यूएसडी सस्पेंशन, एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी डीआरएल, आरआर 310 का हिसाब से वो नेकेड में देखा जाए तो उसका जो सामने का जो साइज होगा, जो देखने में लगेगा ना एकदम बवाल लगेगा, एकदम लगेगा हल्क आ गया है, मतलब साइज बहुत ज्यादा मस्कुलर होने वाला है सामने से। तो मतलब समझ लो टीवीएस आरटीआर का 200 का बड़ा साइज आ गया है 310 सीसी में नेकेड में, और वहीं आपको सब कुछ सेम मिलने वाला है अपाची आरआर 310 का हिसाब से सब कुछ सेम वही मिलेगा, वही डबल सीट मिलने वाला है, सेम टू सेम सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंजन सेम मिलने के बावजूद भी आपको इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है वो आपको अलग देखने मिलेगा, क्योंकि वो फेयरिंग मोड का हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सही लगता था आपको। उसमें मोड्स जितने भी हैं या फिर जो भी फीचर्स वगैरह है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो सब सेम रहेगा, लेकिन उसका क्लस्टर का डिजाइन जो होगा, एक जो हम लोग लगता है कि एक सेलफोन रखा हुआ, उस सेलफोन का हिसाब से नहीं रहेगा, वो नेकेड के हिसाब से काफी जबरदस्त देखने आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट उसमें फीचर वगैरह, नेविगेशन वगैरह और जो मोड्स वगैरह है वो सब कुछ सेम ही रहेंगे, और इसमें नेविगेशन भी मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर लॉन्ग राइड में ले जाना चाहते हो तो आपको नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसी में देखने मिल जाएगा। अभी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन इस बाइक के लिए वेट कर रहा है, अभी मैं बता दूं। और पीछे में आपको मोनोसब का सस्पेंशन देखने मिल जाएगा, और टायर की बात करूं तो वही आपको जो 150-160 के सेक्शन का जो टायर आता है उसी सेक्शन में आपको टायर देखने मिल जाएगा। तो ये बाइक जो इंस्पायर हुआ है आरटीआर 200 से, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि किस टाइप का लुक देखने मिलेगा, काफी भयानक ही लुक देखने में मिलेगा, और 310 सीसी का हिसाब से तो बहुत जबरदस्त देखने मिलेगा, पता नहीं कब देखने मिलेगा, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। और अपाची के फैन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन ये बाइक के लिए वेट कर रहा है, अगर लॉन्च होगा तो कौन कौन खरीदने जाने वाला है। तो इसकी लॉन्च टाइम की मैं बात करूं तो ये नेक्स्ट ईयर ही आपको जून या फिर मई जून के आसपास में ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है। और प्राइसिंग की बात करूं, जैसे कि हमारे अपाची आरटीआर 310 जो है फुल फेयरिंग वाला, वो आपको लगभग ऑन रोड पड़ जाता है 3 लाख में, तो ये समझ लो फेयरिंग मोड नहीं रहेगा तो 260 या 270 के आसपास में मिल जाएगा। तो देखते हैं कब आता है कब नहीं आता है। फिलहाल अपाची के जितने भी फैन है, आरटीआर के जितने भी फैन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर ये बाइक लॉन्च होता है तो कौन कौन लेने जाएगा, कौन कौन लेने नहीं जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारे ये वीडियो को भी खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, दिस इज बीवी ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।